हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में कवर करेंगे इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है भाई, डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखना, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। दोनों टीम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा। और सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, इस मैच के अंदर देखो इंग्लैंड के लिए ये मैच विन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर इंग्लैंड इस मैच में विन करेगी ना तो डायरेक्ट भाई क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर श्रीलंका इस मैच को विन करेगी ना तो श्रीलंका के विन करने के साथ में ऑस्ट्रेलिया विन कर मतलब क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन श्रीलंका यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए कि भाई ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। अगर श्रीलंका इस मैच में जीते हारे कोई मायने नहीं रखता, इंग्लैंड जीतेगी तो इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी, इंग्लैंड हारेगी तो भैया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। डिटेल में इस मैच को कवर करने वाला हूँ, कंप्लीट डिस्कशन एक एक प्लेयर के बारे में करेंगे कि आपका टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में पिक करना है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शन कौन से प्लेयर बनेंगे, सारा डिस्कशन होगा। तो वीडियो में आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट शुरू से लेकर और एंड तक आपको वीडियो वॉच करना है। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है। 36,300 से ज़्यादा मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं। कोई भी अपडेट होगी वीडियो के बाद में या फिर टॉस के बाद की जो भी फाइनल टीम रहेगी या फिर अपनी फाइनल टीम में कोई भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, लिंक नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो फटाफट से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। अब मैच की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं वेन्यू बता दूं भाई, ये जो मैच खेला जाएगा ना ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी कि SCG के वेन्यू के ऊपर होने वाला है। और नॉर्मली यहाँ के जो विकेट होती है वो बैटिंग को ज़्यादा फेवर करती है, ठीक है। मतलब रन्स करना थोड़ा सा आसान हो सकता है इस वेन्यू में। अगर मैं बाकी वेन्यूज़ के साथ में कंपेरिजन करके देखूँ, थोड़ी सी बाउंड्रीज में आपको शॉर्ट देखने को मिलेगी तो बड़ी हिटिंग ईजिली यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन देखो लगातार जैसे जैसे मैचेज चल रहे हैं तो इस वेन्यू के ऊपर भी लगातार मैचेज खेले जा रहे हैं। और पिछले मैं अगर 5 मैचेज़ की बात करूँ तो इस वेन्यू पर पिछले 5 मैच में से भाई 5 मैच यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग ने विन करे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बैटिंग के फेवर में भी चीज़ें जा सकती है, लेकिन इस मैच में आपको थोड़ा सा स्पिन देखने को मिल सकता है, मतलब गेंद आपको थोड़ा सा स्पिन होते हुए दिख सकती है क्योंकि लगातार मैचेज हो रहे हैं और पिच को फ्रेश होने का यहाँ पे मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ पर बॉल जैसे ही डलेगी ना बॉस आपको थोड़ा सा स्पिन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो स्पिनर्स इस मैच में एक अलग रोल प्ले करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, सबसे पहले जोस बटलर, कुशल मेंडिस, दो ऑप्शंस अपने पास में। जोस बटलर आपके लिए सेफ ऑप्शन है, लेकिन रिसेंटली जो फॉर्म है वो उतनी बढ़िया नहीं है, हालांकि लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी पारी खेली है। कुशल मेंडिस की फॉर्म काफ़ी शानदार है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन इनका जोस बटलर से कम है। तो आप लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हो कि सिलेक्शन बेस भी चलोगे तो भी आप लोग समझ सकते हो कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जोस बटलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके साथ में तो हमें जाना ही जाना है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर कुशल मेंडिस को भी लेना चाहो तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म बढ़िया है, ट्राई कर सकते हो। बैटिंग के फेवर में चीज़ें जा सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अगर टाइम देंगे बैट्समैन खुद को यहाँ पे तो डेफिनेटली यार वो मिडल ओवर के अंदर अच्छे खासे रन्स कर सकते हैं। तो कुशल मेंडिस एक अच्छी पिक है, लेना चाहो ले सकते हो कुशल मेंडिस को, क्योंकि फिलहाल जो फॉर्म है वो भी काफ़ी शानदार है, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में आएंगे, एलेक्स हेल्स कॉमन पिक है भाई, और यहाँ पे पाथुम निशांका, ये दो प्लेयर मैं जरूर टीम में पिक करूँगा। हेल्स ने लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया पारी खेली है। दूसरी चीज़, सामने श्रीलंका की टीम है जिनका पेस अटैक उतनी बढ़िया फॉर्म में फिलहाल नहीं है, तो उस चीज़ का बेनिफिट हेल्स उठा सकते हैं। लास्ट मैच तगड़ी हिटिंग करके गए थे और 100 के मैचेज में भी इन्होंने लाजवाब बैटिंग करी थी, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, हेल्स के साथ में जरूर जाऊँगा। निशांका, देखो निशांका के बारे में इतना बोलूँगा कि यार अगर खुद को शुरुआती ओवर में अगर टाइम दें, थोड़ा सा टिक्के बैटिंग करेंगे तो यार ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, डेफिनेटली अच्छी पारी आ सकती है। लेकिन ज़्यादा रन्स करने के चक्कर में थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश रहती है और वहाँ पे फिर अपना विकेट थ्रो करके जा रहे हैं, वो चीज़ मुझे गलत लग रही है, क्योंकि 3-4 ओवर अगर थोड़ा सा रुक के बैटिंग कर लेंगे, रन्स भले कमाए बट ये बाद में इजीली कवर कर सकते हैं, तो वो चीज़ निशांका को खुद भी सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से निशांका आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब देखो डेविड मलान है, मलान का लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई भाई, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के शुरुआती विकेट जल्दी नहीं गिरे, और ये चीज़ मैंने आपको उस मैच की वीडियो में भी बोली थी और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इंग्लैंड के 5 से 6 ओवर के अंदर पहला विकेट गिरेगा तो मलान आपको सेम वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे, और अगर यहाँ पे 8-9 ओवर विकेट नहीं गिरता है इंग्लैंड की टीम का तो फिर मलान का बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा भाई, फिर इनकी जगह पे या तो मोइन अली को टीम ऊपर प्रमोट करेगी बैटिंग में, या फिर यहाँ से बात करूँ ऑलराउंडर सेक्शन में, या तो देखो लियाम लिविंगस्टन है बैन स्टोक से, ये आपको ऊपर प्रमोट होते हुए ज़रूर देखेंगे। तो डेविड मलान का बैटिंग ऑर्डर टोटली मैच की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट फिलहाल मैं अभी इनको टीम में पिक करके ज़रूर चलूँगा। नीचे आओगे भानुका रजापक्सा है, जो आपको थर्ड डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे, श्रीलंकन टीम की साइड से काफ़ी बढ़िया प्लेयर है,
हैं जो मिडल ऑर्डर के अंदर काफ़ी मजबूती अपनी टीम को देंगे, क्योंकि एशिया कप में लोअर ऑर्डर में आके काफ़ी अच्छी हिटिंग करी थी और श्रीलंका को एक तरफा काफ़ी मैचेज में विन भी करवाया था। तो बहुत बढ़िया पिक है भानुका राजापक्सा, अगर अपना गेम खेलेंगे डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। प्रेशर महसूस करेंगे, विकेट देके जाएंगे, वो चीज़ इनको खुद सोचनी पड़ेगी। नीचे धनसुन सनाका की ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे, उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। ग्रैंडली के पिक में अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। नीचे मोइन अली है, मोइन अली के बारे में बस इतना बोलूँगा कि यार देखो स्पिन इस वेन्यू के ऊपर ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा स्पिन देखने को मिलेगा तो मोइन अली इस मैच में आपको बॉलिंग करते हुए भी ज़रूर दिखेंगे। क्यों? रीज़न सबसे बड़ा बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे चरित हसालंग का भैया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, भानुका राजापक्सा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने किसी ऑफ ब्रेक बॉलर का यूज़ यहाँ पे अगर इंग्लैंड करना चाहेगी तो मेरे हिसाब से मोइन अली काफ़ी बढ़िया पिक रहेंगे। बैटिंग में ऊपर प्रमोट किया जा सकता है, वो ध्यान में रखना, तो लेना चाहो ले सकते हो, बहुत अच्छी पिक है, लेकिन मैच की सिचुएशन भाई क्या कुछ करवाएगी नहीं कह सकते, ठीक है। असलंका को ट्राई कर सकते हो, सेकंड डाउन बैटिंग करेंगे, डिफरेंशियल पिक में रखना, ठीक है। उसके बाद में हैरी ब्रुक का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, मैं उतना ज्यादा प्रेफर आपको नहीं करूंगा। फिलहाल तीन प्लेयर पिक कर लिए, एलेक्स हेल्स, पाथुम निशांका और डेविड मलान। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, अब यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले तो आपके पास में जो पिक रहेगी वो रहेगी वनिंदु असरंगा की, सैम करन की, और यहाँ पे भैया धनंजय डिसिल्वा के, ठीक है। तीनों प्लेयर को टीम में पिक करना है, लेकिन असरंगा के बारे में एक चीज़ आपको और मैं ये वहाँ पे बोलूँगा कि भाई देखो जब भी श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करने आ रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि असरंगा का एक ओवर कम से कम वो डेथ के लिए बचा के रखते हैं। मतलब या तो 19वां ओवर वो डालेंगे या फिर 20वां ओवर डालेंगे, मैक्सिमम चांसेज है कि 19वां ओवर डालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि असरंगा को लास्ट में जाकर विकेट मिलता है, बिकॉज कोई भी प्लेयर हो वो एंड के ओवर में हिटिंग करेगा भाई, बड़े शॉट्स की कोशिश रहेगी, और वहाँ पे असरंगा काफ़ी किफ़ायती साबित हो रहे हैं भाई, लास्ट में जाकर विकेट निकाल रहे हैं। लेकिन वो केस कब बनेगा जब श्रीलंका पहले बॉलिंग करने आएगी। अब श्रीलंका आएगी सेकंड बॉलिंग करने, तो वो असरंगा का ओवर भाई लास्ट तक बचा के नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ तक लेके जाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर सेकेंड बॉलिंग करने आ रही है श्रीलंका की टीम, तो असरंगा अपने जो ओवर है वो आपको मिडल ओवर के अंदर ही कंप्लीट करते हुए दिखेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सैम करन बढ़िया फॉर्म है, चार ओवर कंप्लीट मेरे हिसाब से मिल सकते हैं इनके साइड से, तो टीम में ट्राई करना बनता है, रिसेंटली फॉर्म भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद में धनंजय डिसिल्वा जो फर्स्ट डाउन पे बैटिंग करेंगे, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी पारी खेली और श्रीलंका को विन भी करवाया, और दूसरी चीज़ स्पिन कर सकते हैं भैया, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेंगे, स्पिन अगर इस वेन्यू के ऊपर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली 2 से 3 ओवर की बॉलिंग यहाँ पे धनंजय डिसिल्वा इस मैच में ज़रूर कर सकते हैं। तो तीन कॉमन पिक्स है इस मैच के जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे जो बात आती है वो है लियाम लिविंगस्टन और बेन स्टोक्स की, ठीक है। लियाम लिविंगस्टन मेरे हिसाब से गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गेंदबाज है जो लेग ब्रेक भी कर सकता है भैया, और यहाँ पर आपको ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करता हुआ दिखेगा। तो किसी भी टाइप का बल्लेबाज हो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो या फिर राइट हैंडेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के सामने लियाम लिविंगस्टोन इजीली बॉलिंग करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मैच में 1 से 2 ओवर तो आप लोग कंफर्म मान के चलो लियाम लिविंगस्टोन के। बाकी दूसरी चीज, बैटिंग में ऊपर प्रमोशन इनको जरूर मिलेगा, वो भी कंफर्म है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन को टीम में पिक करूंगा। बॉलिंग सेक्शन के अंदर आओगे, मार्क वुड है, महेश थिक्सना, क्रिस वॉक्स, देखो ये तीन मेरी पिक्स रहेंगे, ठीक है। अब इनके अलावा आप लोग लेना चाहो कुमारा को ले सकते हो, मधुशन को ले सकते हो, रजिथा को ले सकते हो, लेकिन 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 नीचे आओगे आदिल राशिद, एक बहुत ही बड़ी डिफरेंशियल पिक इस मैच के भाई। क्यों? क्योंकि देखो स्पिन देखने को मिलेगा तो आदिल राशिद इस वेन्यू ऊपर शायद बढ़िया करके निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बंदे ट्राई करेंगे, 12% सिलेक्शन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, जब तक भैया मैच स्टार्ट होगा ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको शायद 15-17 या 20% के आसपास देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा सिलेक्शन आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा आदिल राशिद का। लेकिन स्पिन अगर अच्छा खासा देखने को मिलेगा तो राशिद इस मैच की बहुत बड़ी डिफरेंशियल पिक। बट एक ध्यान रखना, रिस्क भी सबसे बड़ा रहेगा, नहीं चले ना एक तरफ आपको मैच हरवाएंगे, अगर चलेगा तो एक तरफ आपको मैच जितवाएगा भी, ठीक है। रिस्क आपके ऊपर रहेगा, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, ज़्यादा सेफ खेलना तो मत लो, ये आपको मैं प्रेफर करूँगा। बड़ा रिस्क ले सकते हो तो टीम में ट्राई कर लो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कहने पर कुछ भी नहीं करोगे, मेरा काम है आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, फाइनल डिसीजन आप लोगों का खुद का होना चाहिए। ये तीन पिक्स मैंने ले ली, ये कॉमन रहेगी भाई। मार्कवुड के पास में पेस भी काफ़ी अच्छी खासी है, शुरुआती ओवर्स के अंदर आपको थोड़ा सा स्विंग भी देखने को मिल सकता है, तो फास्ट बॉलर्स वैसे भी नॉर्मली ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर काफ़ी बढ़िया करते हैं, ठीक है। उसके बाद में थिक्सना, अगर स्पिन होगी तो बढ़िया पिक बनेंगे भाई। क्रिस वॉक्स बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिस वॉक्स की बैटिंग आएगी ना तो फिर इंग्लैंड की हालत काफ़ी पतली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बॉलिंग के भी आप पे ही अगर आप लोग अपनी टीम में पिक करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो आपके पास में चेंजेस करने के पास में ऑप्शन है, लियाम लिविंगस्टोन को ड्रॉप करके आप लोग यहाँ पे ज़्यादा सेफली खेलो तो कुशाल मेंडिस को भी ले सकते हो।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो अपने हिसाब से बेस्ट लगे वो चेंजेस कर लेना, या फिर मलान की जगह पे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे भानु का राजापाक्सा को लेना चाहो ले सकते हो, असलंका को ले सकते हो, मोइन अली को भी ले सकते हो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इंग्लैंड का चेंज हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में जोस पटर है, एलेक्स सेल्स है, भाई वानी दो असरंगा, धनंजय डिसिल्वा, चार पिक्स जो सर्कल कर रखी है चारों आपकी सबसे बड़ी पिक्स रहेंगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में, जिनका सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब इनके अलावा अगर आपको डिफरेंशियल जाना है तो मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा फेवर करूँगा डेविड मलान के। अब यार इनकी बैटिंग ही नहीं आएगी तो एक अलग चीज़ है देखो, क्योंकि इंग्लैंड का शुरुआती विकेट अगर 5-6 ओवर में गिर गया तो डेफिनेटली डेविड मलान इस मैच की बहुत अच्छी पिक आपके लिए डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में। देखो अगर चले ना चले वो एक अलग चीज़ होती यार, लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि विकेट अगर टाइम पर गिरेगा तो मलान एक बढ़िया पिक रहेंगे, अगर इनकी वन डाउन पे ही बैटिंग आएगी तो बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, हिटिंग भी तगड़ी कर लेते हैं यार, ऐसी चीज़ नहीं है, इंग्लैंड की टीम मेरे हिसाब से इनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है वो ध्यान में रखना। और दूसरी जो डिफरेंशियल रहेगी लियाम लिविंगस्टोन को ट्राई कर लो, या फिर ट्राई कर लो यहाँ से पाथुम निशांका को, ठीक है ज़्यादा डिफरेंशियल जाना है, जो भी टीम पहले बॉलिंग करना है उनके किसी भी एक मैन डेथ बॉलर को भी आप लोग अपनी टीम में एज ए डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो बॉस, ये भी ध्यान में रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, कुशल मेंडिस की एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपको मिलेगी, विकेट कीपिंग सेक्शन में ले सकते हो, यहाँ पे भैया सिडनी का वेन्यू है, बैटिंग के फेवर में चीज़ें जा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ों पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जो भी वीडियो आगे अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा भाई जल्दी कर लीजिए, क्योंकि फाइनल टीम या फिर कोई भी चेंज करना पड़ेगा टेलीग्राम पे टॉस के बाद में आपको अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेगी।